बेल का आइकन दबाइए और द होम मिनिस्टर की सारी नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन पाइए। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम बनाने वाले हैं एगलेस केक, जिसे मैं प्रेशर कुकर में ही बेक करने वाली हूँ। ये बेसिक स्पॉन्ज केक है। मेजरमेंट के लिए हम एक कटोरी और एक चम्मच को रखेंगे। दो कटोरी भरकर मैदा लिया है, एक कटोरी भरकर पिसी हुई शक्कर ली है, एक कटोरी मेल्टेड बटर लिया है जिसे पहले से ही पिघला लिया है। आप चाहें तो घी या रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आधा कटोरी भरकर हमें दूध चाहिए और चाहिए कंडेंस्ड मिल्क, बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर और वेनिला एसेंस चाहिए। कुकर में मैंने पहले से ही नमक डाल लिया है और उसे चारों तरफ फैला लिया है। इसे अब हमें प्री हीट करना है, तो गैस ऑन कर लेंगे और कुकर को लो फ्लेम पर हीट होने के लिए रख देंगे। इसे हम कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से गर्म हो। अब हम केक का मिक्स रेडी करेंगे। सबसे पहले एक बोल में बटर ऐड कीजिए। अब उसमें आधा कटोरी भरकर कंडेंस मिल्क डालेंगे, एक कटोरी पिसी हुई शक्कर ऐड कर लीजिए। इन सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। मैं विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर या फिर हाथों से भी इसे फेंट सकते हैं। आधा कटोरी दूध ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिलाइए। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, शक्कर भी पूरी तरह घुल चुकी है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा को भी मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, बैटर रेडी हो गया है, कंसिस्टेंसी भी ठीक है। इस पे अब हम आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और एक चौथाई चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक फेंटिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाना चाहिए। अगर मिक्स गाढ़ा लग रहा है आपको तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिला लीजिए। इसे एक ही डायरेक्शन में हम फेंटते रहेंगे, लगभग 2 मिनट तक फेंटिए। केक मिक्स एकदम रेडी है, कंसिस्टेंसी एकदम बराबर है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। अब हम इसे बेकिंग डिश में डालेंगे। यहाँ मैंने एक टिफ़िन लिया है जिसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। मैंने कुकर का ही टिफ़िन लिया है। नीचे में एक बटर पेपर लगाएंगे और उसे भी ग्रीस कर लेंगे। डिश को अच्छे से ग्रीस करना है ताकि केक उसमें चिपके ना। अब इसमें हम केक का मिक्स डालेंगे। डिश को 2-3 बार जमीन पर टैप कीजिए, इससे एयर बबल निकल जाएंगे। कुकर भी हमारा हीट हो चुका है, अच्छी तरह गर्म हो चुका है। केक रखने से पहले इसके अंदर हम एक कटोरी रखेंगे ताकि केक को डायरेक्ट फ्लेम ना मिले और उसके ऊपर हम केक को रखेंगे। केक को बीचों बीच रखेंगे कुकर के। अब हम इसे कवर करेंगे, लेकिन हमें ढक्कन बिना सीटी के ही लगाना है। ध्यान से सीटी निकाल लीजिए, इसमें प्रेशर नहीं बनना चाहिए। अब इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक बेक कीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 10 मिनट तक और बेक होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और अब केक को हम चेक करेंगे। एक साफ चाकू लेकर केक के बीचों बीच डालिए। अगर चाकू एकदम साफ आ रहा है, मतलब केक पक चुका है। इसे मैं और 10 मिनट तक कुकर में रखने वाली हूँ ताकि इस पे और अच्छा टेक्सचर आ जाए। लगभग 15 मिनट बाद केक को अब मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये अभी भी गर्म है और इसे पूरी तरह ठंडा होने दूंगी। अब एक प्लेट लेंगे, उसको डिश के ऊपर रखकर हम डिश को पलट देंगे।
ये देखिए केक कितनी आसानी से बाहर आ गया। बटर पेपर को भी निकाल लेंगे हम। केक का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ से ये अच्छे से बेक हो चुका है। सॉफ्ट भी है ये, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, इसे हमें पूरी तरह ठंडा करना है, फिर हम इसे कट करेंगे। केक अब पूरी तरह ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये आसानी से कट हो गया और अंदर से अच्छी तरह से फूला हुआ है। स्पॉन्ज केक वाकई बहुत सॉफ्ट बना है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।